إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله معزز حاضرین جمعہ بزرگوں عزیز نوجوانوں پیارے بچوں اللہ تعالی نے ایمان کی اور دین کی اتنی اہمیت رکھی ہے کہ اس دین سے جو لوگ دور ہیں اس دین کا جو لوگ کفر کرتے ہیں جو لوگ توحید کے منکر ہیں ان سے اور ان کے کفر سے بے چینی محسوس کرنا یہ اصل ایمان کی اور یہ اصل دین کی پہچان ہے. جس مسلمان اور مومن کو کفر اور کفر کرنے والوں کے تئیں بے چینی اور بیزاری نہ ہو تو وہ اپنے دین میں اپنے ایمان میں کامل نہیں ہے. اس کے ایمان کا حقیقی اعتبار نہیں ہے کیونکہ جس سے وہ وابستہ ہے اور وہ اصل ہے اس کی مخالفت کرنے والے یا اس کے خلاف ایمان کے خلاف کفر کرنے والے اسے کبھی بھی سکون سے اطمینان سے بیٹھنے نہیں دیں گے. وہ ایسا اس لیے ہے کہ ایمان کی اور اسلام کی پہچان ہی ہے اللہ کی توحید, اللہ تعالی کی توحید قائم کرنا, اس کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا, جھکانا, اللہ کی فرما برداری کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کرنا اور شرک سے کفر سے بے چینی کا اظہار کرنا, برات کا اظہار کرنا, یہی اسلام ہے. اگر اسلام ہم چند الفاظ میں مختصر سمجھنا چاہیں تو اسلام کیا ہے؟ اللہ کی توحید کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا, اس کی توحید تسلیم کرنا اور اس کا فرما بردار بنانا اپنے آپ کو,
और जो शिर्क है और अहल शिर्क हैं उनसे बरात करना। आप इसको ऐसा समझिए कि इस रूए जमीन पर अल्लाह ताला की तौहीद और उसकी फरमाबरदारी ये बंदों की असल ड्यूटी है और इसी के लिए अल्लाह ने पैदा किया है। उमा खलकतुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून, अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद और बंदगी के लिए अपने बंदों को पैदा किया। तो जो अल्लाह ताला की तौहीद और बंदगी करने वाले बंदे हैं, अल्लाह ताला की नाफरमानी करने वाले अपने भाइयों, अपने समाजियों, अपनी सोसाइटी के लोग, अकरबा हो या दूर के हों, उनकी हालत देख के वो तड़प उठेंगे, उनकी बेचैनी लाजमी है। इस बेचैनी का ये माना नहीं है, आप इसको भी समझ लीजिए कि इस बरात का ये माना नहीं है कि हम उनसे कोई झगड़े पर आमादा होंगे, हम उनसे कोई लड़ाई के लिए खड़े होंगे, हम उनसे के लिए उनसे कोई फिजिकल प्रॉब्लम मतलब लेकर के चलेंगे, ऐसा नहीं है। ये एक अकीदे और उसूल की बात है, जिस अकीदे और उसूल की बुनियाद पर हमारी उनके बीच में अदावत है, बरात है उनके खिलाफ, उनके शिर्क के खिलाफ, ताकि किसी एतबार से भी हमें उनके अकीदे और उनके मनहज और उनके तरीके का कोई असर हमारे ऊपर आने न पाए, और जिस सच्चाई को हमने कबूल किया है उस सच्चाई पर हम जमे रहें, और जो बातिल है उसको हम बातिल ठहराएं, उसको बातिल माने। इसको बहुत आसानी से समझा जा सकता है अगर थोड़ी सी तवज्जो दी जाए। वो इस तरह कि अल्लाह ताला ने जिस कलमे के जरिए इस्लाम में दाखिल होने का निजाम दिया है वो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह। जब उसे हम पढ़ते हैं, हम गवाही देते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो आप देखिए ला इलाहा इल्लल्लाह में यही सच्चाई है कि हम बरात करते हैं, हम इनकार करते हैं, हम डिक्लेयर करते हैं कि अल्लाह के सिवा जितनों की इबादत होती है वो इबादत के लायक नहीं है, वो बातिल हैं, इबादत का मुस्तहिक अकेला अल्लाह है। यहीं से तो दाखिला होता है इस्लाम में, यहीं से तो दाखिला मिलता है इस्लाम में। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान, अगर तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे भाई कुफ्र को पसंद करते हो ईमान के मुकाबले में, ईमान के बजाय कुफ्र को पसंद करते हो तो उन्हें दोस्त मत बनाना, वो माँ बाप हो, वो भाई हो, कोई भी हो, उन्हें आप नहीं दोस्त बना सकते। इसलिए नहीं दोस्त बना सकते कि वो बातिल पर हैं, और उनसे 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 उनकी बातिल के साथ इस तरह की एक जहती नहीं हो सकती कि जिससे ये तय ना हो कि हक पर कौन है और बातिल पर कौन है। ये तय होना जरूरी है। अगर दिल में ये चीज नहीं है कि ये कुफ्र है और कुफ्र से हम बरी हैं, कुफ्र से हम बेचैन हैं, कुफ्र से हम बेचैनी बेजारी जाहिर करते हैं उसके आदाब और तरीके के मुताबिक, तो ये समझ लीजिए कि गोया कि हम फिर उनकी वलायत में चले जाते हैं, और उनकी वलायत अहले कुफ्र की, अहले शिर्क की हमारे ईमान और हमारे दीन के लिए खतरा है। आप देखिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है इब्राहिम मेरे रसूल इब्राहिम और उनके ऊपर ईमान लाने वाले उनके साथी, अल्लाह ताला फरमाता है तुम्हारे लिए उनकी जिंदगी एक बेहतरीन नमूना है। उन्होंने अपनी कौम से कहा, अपनी कौम से क्या कहा, हम बरी हैं आपसे, आपकी शिर्कियात से हमारा इनसे कोई वास्ता नहीं, हम बेचैन हैं,
लेकिन इस बेचैनी और इस बेजारी और इस बरात का ये माना नहीं है कि हमारा उनसे ताल्लुक नहीं है, हमारा उनसे मामला नहीं है। उनके जो दुनियावी हुकूक हैं, जो उनके तई दावती हुकूक हैं, जो उनको हक और सच्चाई पर लाने के लिए हमारी जिम्मेदारी है, ये दुश्मनी और बरात किस बात की है? ये अकीदे की दुश्मनी है, ये उसूल की दुश्मनी है। ये दुश्मनी इस पर आमादा नहीं करती कि अगर बाप है तो उनका हक हमारे ऊपर नहीं बचता बाप होने की हैसियत से, भाई है तो भाई होने की हैसियत से, पड़ोसी है तो पड़ोसी की बुनियाद पर, या इसी तरह गैर मुस्लिमों के साथ हमारे मामलात हैं, कारोबार हैं, तिजारतें हैं, लेना देना है, एक दूसरे की खबरगिरी और एक दूसरे के काम आने वाले मसाइल हैं, उनकी फिक्र, उनकी उनके लिए वेलफेयर करना है, ये सारी चीजें इसका माना नहीं है कि हम उनसे दस्तबरदार हो जाएं। माना यह है कि ये कुफ्र और शिर्क हमें बेचैन किया है, हम बरी हैं। अगर ऐसा ना होता तो आप देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की दावत देते हैं और कितने बेचैन हैं उनके लिए, जिनके शिर्क से बरी हैं और जिन मुशरिकीन से आप बरी हैं। आपकी दावत का और आपकी बेचैनी का देखिए एक तरीका यह है, एक तो बेचैनी शिर्कियात से और अहले शिर्क से, दूसरे अहले शिर्क को ईमान पर लाने के लिए फिक्र कितनी है। कुरान कहता है फलअल्लक बाकिउन नफ्सक अला आसारिहिम इल्लम युमिनु, लगता है नबी तुम अपने आप को हिलाक कर लोगे, अल्लाह ताला कह रहा है, लगता है आप हिलाक कर लेंगे अपने आप को अगर ये ईमान नहीं लाए। देखिए दुश्मनी अगर इस तरह की होती कि हमें इनसे कोई ताल्लुक नहीं रखना है, हमें इनके लिए कोई फिक्र और लालच नहीं करनी है, दुश्मनी है अकीदे की, दुश्मनी है वसूल की, दुश्मनी है बातिल से, दुश्मनी बातिल की पैरवी करने की वजह से है, लेकिन अहले बातिल के तई इतनी लालच, इतनी फिक्र, इतनी बेचैनी और इतना गम है कि अगर वो ईमान नहीं लाते तो अल्लाह ताला फरमाता है तो क्या आप अपने आप को मार डालेंगे, क्या आप अपनी जान दे देंगे अगर ये ईमान नहीं लाए। ये फर्क समझना जरूरी है। जब ये फर्क नहीं समझ में आता है तो हर गैर से दुश्मनी मैदानी बना ली जाती है, दुश्मनी फिजिकल बना ली जाती है, दुश्मनी मामलात की बना ली जाती है, दुश्मनी लेन देन की बना ली जाती है। ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई और आपकी वफात पर आप कर्ज थे। आप सही बुखारी उठा करके देखिए, आप यहूदियों के कर्ज थे, आप गल्ला लाए हुए थे उनके यहां से और आपकी रहन जो है, आपकी जिरह जो है वो रहन में गिरवी में रखी हुई थी। तो एक तो इस रूए जमीन पर ये सबसे बड़े दुश्मन, लेकिन दुश्मनी मामलात से नहीं रोकती, ये दुश्मनी है अकीदे की, ये हमारी दुश्मनी है ईमान और अकीदे के साथ, हमारी फिक्र है, हमारी बेजारी है शिर्कियात और अहले शिर्क के साथ, इस बुनियाद पर कि वो शिर्क में मुब्तला है। इस रूए जमीन पर अल्लाह ताला की हवा पानी और उसकी नेमतों में जीने वाले लोग अल्लाह ताला के बागी हैं, अल्लाह की मखलूक को माबूद बना रखा है। सबसे ज्यादा जिसका ईमान मजबूत और सही होता है वो सबसे ज्यादा इस रूए जमीन पर शिर्क से बेजार और बेचैन होता है। अब एक पैमाना आप लेकर के चलिए, एक वसूल आप लेकर के चलिए, जिस मोमिन को सबसे ज्यादा बेचैनी हो कुफ्र देख करके, उसका ईमान उतना ही मजबूत है। हमारी सबसे बड़ी बेचैनी जहेज की हो जाएगी। अरे जहेज का चलन है, जिस मुआशरे में जहेज के लिए तहरीकें हों, जहेज के लिए
मोमेंट चलती हो, जहेज के लिए बहुत सारी सरगर्मियां हों, और उस सोसाइटी में कुफर और शिर्क के मुकाबले कुफर और शिर्क का मसला जहेज के बराबर भी ना हो, आप बताइए तो ये समाजी मसला तो होगा। लेकिन आप बताइए जो असली ईमानी मसला है उसका क्या है। और ये तहरीक हमारे बीच में, इस तरह की तहरीकें जो सोशल इश्यूज की होती हैं, वो हमारे बीच में इतनी मौसर हो जाए कि हम उसे काम गिनने लगे कि काम तो ये है, और जो काम असल है, जो बेचैनी का असल मुद्दा है, वो बेचैनी का मुद्दा है ही नहीं, वो बेचैनी का मुद्दा है ही नहीं हमारे नजदीक। इसीलिए आप देखेंगे कि सोशल मसाइल का कोई मुनकर है? सोशल मसाइल तो दुरुस्त ही होंगे ईमान के बाद, सोशल मसाइल दुरुस्त नहीं होंगे। जब तक ईमान और वसूल नहीं होगा तब तक सोशल मसाइल दुरुस्त नहीं होंगे। मतलब और मफाद की बातें होंगी जहां, वहां कुछ बातें बन जाएंगी, लेकिन हकीकत में तब्दीली जो है सोशल प्रॉब्लम में उस वक्त तक नहीं आ सकती, सोशल प्रॉब्लम की तब्दीली जब तक दीन की और ईमान की तब्दीली ना हो, लोगों के दिल में अल्लाह ताला का खौफ ना हो और अल्लाह के बंदों के हुकूक के तहत अल्लाह ताला के यहां जवाबदेही का एहसास ना हो, नहीं पैदा होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक औरत को अल्लाह ताला ने जन्नत दे दी, एक औरत को जन्नत दे दी अल्लाह ताला ने, उसने अल्लाह के मखलूक के साथ हमदर्दी की, एक मखलूक के साथ। अल्लाह ताला के ऊपर ईमान और अल्लाह ताला की मखलूक के साथ उसकी खबरगिरी, उसकी जरूरत को पूरा कर देना, उसको मुसीबत से निकाल लेना कि अल्लाह ताला उसके साथ एहसान करेगा, अल्लाह ताला उसके साथ मदद करेगा उस वक्त जब उसको मदद के लिए कोई सहारा नहीं होगा। ऐसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक जानवर को जो तुम्हारे अंडर में है, तुम्हारे हाथों पर बंधा है, उस जानवर की खबरगिरी करना मालिक के ऊपर फर्ज है, क्योंकि मालिक है वो, और उसे अल्लाह ताला के यहां जवाबदेही के एहसास के साथ उसकी खबरगिरी करना है। उससे काम लेता है, जानवर है उससे काम लेता है, जानवर है उससे दूध लेता है, दूसरी जरूरियात पूरी करता है, बार बर्दारी का काम लेता है, जुताई का काम लेता है, काम उससे लेता है जो ले अल्लाह ने उसको ताबे किया है, लेकिन उसके खाने पीने की जहन सहन की जो जरूरियात है उसको अगर नहीं पूरा करता तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये अल्लाह के खौफ और तकवा से आजादी का मामला है, अल्लाह से बेखौफ हो गया, निडर हो गया। तो अल्लाह से डरने वाला खुद मसाइल पर काबू पा लेता है, अल्लाह से नहीं डरेगा। समाजी हवाले आमतौर पर मौसर नहीं होते, समाजी हवाले आमतौर पर मौसर नहीं होते। तो अर्ज यह कर रहा था कि देखिए ईमान जब होता है, ईमान जब हकीकी मानों में अंदर जागुजी होता है, तो ईमान की जितनी जिद है, जितनी ईमान को नुकसान पहुंचाने वाली या जितनी ईमान के मुकाबिल चीजें हैं उससे बेचैनी होगी। ये पैमाना है हमारे ईमान के सही और दुरुस्त होने का कि हम जब कुफ्र देखते हैं तो बेचैन होते हैं कि नहीं, शिर्क देखते हैं तो बेचैन होते हैं कि नहीं। उस बेचैनी का इलाज पैगंबरों की दावत में मौजूद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत में सारे पैगंबरों का पूरा निसाब मौजूद है, पूरा सिलेबस दावत का मौजूद है। आप देखिए ऐसी सूरत हाल में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन रहते थे, बेचैन
ये ईमान ले आते तो अच्छा था, वो ईमान ले आते तो अच्छा था, फला लोग ईमान ले आते तो इस्लाम को मुसलमानों को ताकत मिल जाती। ये कौन लोग हैं? ये कुफ्र के लिए लड़ने वाले हैं इस्लाम के खिलाफ, अहले कुफ्र के लिए लड़ने वाले हैं अहले इस्लाम से, उनसे बरात है, उनके शिर्क कुफ्र से बरात है, लेकिन उनके लिए गम कितना, उनके लिए गम इतना है कि लगता है आप जान दे देंगे। ये बारीकी का फर्क अगर नहीं समझ में आया तो हर वक्त मुसलमान गैर मुस्लिमों के तहीं ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि हर मसले में इनके साथ दुश्मनी का महाज कायम है। हर मसले में दुश्मनी का महाज कायम नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे मामलात ईमान अकीदे उसूल को छोड़ करके जो बुनियादी मसले हैं सारे मामलात करने की इजाजत दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है अपने पड़ोसी का ख्याल रखो सबसे पहले। तो क्या तफरीक किया? क्या इस्लाम ने तफरीक किया कि मुसलमान पड़ोसी हो तब, गैर मुस्लिम पड़ोसी हो तब उसकी जिम्मेदारी नहीं है? एक सहाबी रसूल के यहां एक बकरी जमा की गई तो उन्होंने फरमाया, कहा सबसे पहले पड़ोसी को गोश्त दे दो। तो बताया गया कि पड़ोसी तो यहूदी है, तो उन्होंने फरमाया कि पड़ोसी यहूदी है, कोई भी हो वही हकदार है, वही पड़ोसी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पड़ोसी का तारुफ बताया है कि पड़ोसी कौन होता है, आपने फरमाया है कि जिसका दरवाजा आपके दरवाजे से सबसे ज्यादा करीब हो वही पड़ोसी है आपका, वही पड़ोसी है आपका। तो दुश्मनी की नौयत समझिए, यह भी समझना जरूरी है कि दुश्मनी की नौयत है कैसी। वो पड़ोसी है वही हकदार, और वो हकदार अगर नहीं समझा गया तो इसका माना यह हुआ कि हर मामले में हमारी दुश्मनी है, हर मामले में दुश्मनी है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसला क्या है? देखिए इसका जवाब क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं तुम्हें तुम्हारी पकड़ कमर पकड़ करके, तुम भागे जा रहे हो हिराकत के गड्ढे में, आग के गड्ढे में गिरने के लिए, मैं तुम्हारी कमर पकड़ करके तुम्हें रोक लेना चाहता हूं, बचा लेना चाहता हूं कि तुम आग के हिलाकत के गड्ढे में गिर ना जाओ। इतनी फिक्र है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि बचा लें। तो इसी से समझ में आता है कि दुश्मनी बरात बेदारी का माना क्या है। जब तक बेजारी नहीं होगी तब तक आदमी का दीन खालिश नहीं होगा, वो अपने आप को खालिश नहीं रख पाएगा। दूर रखना है अपने आप को शिर्कियात के अमल से, शिर्कियात से तड़पना चाहिए एक आदमी को, ये शिर्क है। फिर कैसे समझाएगा शिर्क है? बेहतर से बेहतर उसलूब में समझाएगा। अंदर बेचैनी बहुत होगी लेकिन बाहर उसका तरीका वसूली होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कि बेसाखुल अशीरा या बेसैबिनुल अशीरा, आप फरमाते हैं ये शख्स बहुत बदतरीन आदमी है अपने कबीले का, बड़ा बुरा आदमी है। और वही जब आता है आपके पास तो आप पूरी मेहमान नवाजी फरमाते हैं, बुलंद अखलाक के साथ पेश आते हैं। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं आपने तो फरमाया था कि ये तो कबीले का अपने बहुत बुरा आदमी है और आप इस तरह पेश आते हैं। तो आप फरमाते हैं तो क्या वो बुरा आदमी है तो मैं अपना मामला अपना अखलाक भी बुरा कर लूं? हमारा काम जो है वो किसी की बुराई से बेचैनी है, किसी की बदअमली से बेचैनी है, कुफ्र और शिर्क मुनकरात से बेचैनी है, बिदात से बेचैनी है, लेकिन हमारा तरीका उसके इस्लाह का दर्दमंदाना होगा,
फिकर मंदाना होगा, लालच का होगा, गम का होगा कि कैसे ये अपना भाई है, अपना पड़ोसी है, अपना समाजी है, हमारा अपना हम वतन है, हमारे हम मोहल्ले का है, ये कैसे शिर्क बिदात से निकल पाएगा। बहुत बेचैनी के बाद तकबीरों में लगा रहता है। बात कैसी करता है, बात करता है दावत की जबान में, दावत के उसलूब में बात करता है कि आपके लिए भलाई है इसमें, आप किनकी इबादत करते हैं, आप किनकी इबादत करते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते थे अब्बा जान आप उनकी इबादत करते हैं जो ना नफा के मालिक है ना नुकसान के, अपने हाथ से आजर बुतों को तराशते थे, बेचते थे, उन्हीं बुतों की पूजा करते थे। तो कहते थे अब्बू जान ये ना नफा के मालिक है ना नुकसान के मालिक, और ये कुछ भी आपके काम आने वाले नहीं है, आप इनकी इबादत क्यों करते हो। आप बताइए कितना अजीम पैगंबराना उसलूब है, और कहते हैं मैं बरी हूं, मेरा कोई वास्ता नहीं। ये मौकिफ और ये कंसेप्ट बहुत क्लियर रहना चाहिए। हमारा कोई भाई है, नबी की सुन्नत मौजूद है, नबी का तरीका मौजूद है, नबी के तरीके की मुखालफत और सुन्नतों की मुखालफत करके किसी बुजुर्ग की राह पर चलता है, किसी इमाम की तकलीद में लगा है, सुन्नत की मुखालफत हो रही है, बेचैनी उसको होगी। किसी सुन्नत के शैदाई, किसी सुन्नत के मुत्तबे, किसी सुन्नत के मोहब्बत करने वाले को बेचैनी होगी। लेकिन जबान उसकी कैसी होगी, जबान उसकी दर्दमंदाना होगी, फिक्र की होगी कि आप ये बताओ कि नबी का तरीका बेहतर है या नबी के तरीके के मुखालफत में जो दूसरा तरीका है आपने उसको अपनाया है वो बेहतर। वो नबी की जबान में बात करेगा, नबी की सुन्नत और दावत की रोशनी में बात करेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम खुतबों में फरमाया करते थे सबसे बेहतर किताब अल्लाह की किताब है और सबसे बेहतर तरीका मेरा तरीका है। एक मौके पर हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने कूफा की एक मस्जिद में तस्बीहों का एक अमल देखा कि कंकरियों के दानों पर तस्बीह हो रही है हल्का बना बना करके। तो उन्होंने एक सवाल पूछा सुन्नत दिमाग में बिठाने के लिए, सुन्नत की अहमियत दिमाग में बिठाने के लिए। वो फरमाते हैं कि अच्छा ये बताओ कि नबी का तरीका सबसे बेहतर है या जो तुमने तस्बीह गिनने का तरीका कंकरियों पर निकाला ये बेहतर, बताओ। अंदर बेचैनी है, बाहर सुन्नत समझाने के लिए तरीका कितना दर्दमंदाना है, किस तरह दिमाग में बिठाते हैं। कहते हैं अभी बड़ी तादाद में सहाबा मौजूद हैं, यानी अभी तो आपकी वफात हुई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी तो आप वफात पाए हैं, आपके घर के आपके कपड़े भी अभी मौजूद हैं, वो गले नहीं हैं, आपके घर के बर्तन भी मौजूद हैं। इतनी जल्दी जो सुन्नत का तरीका आपने छोड़ा था, आपने उससे हट करके दूसरा तरीका अख्तियार कर लिया। तो ये मेरे भाइयों ये तरीका है। आप देखिए हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारे अपने जो मसाइल हैं कि हम मुसलमान कम्युनिटी के बीच में मुख्तलिफ मसालिक के लोग हम आपस में, हम सच्चाई और दीन को, खालिस तौहीद को, खालिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को और आप के तरीके को हम अपनों में कैसे बयान करेंगे। हम ऐसा बैठ नहीं सकते, आप बैठ नहीं सकते। जिसको अभी अल्लाह ताला की तौहीद मिल गई, नबी का खालिस तरीका मिल गया, वो अपने भाइयों को, कलिमा पढ़ने वाले भाइयों को देख करके
कि तौहीद के कलमे के साथ जिसकी बुनियाद शिर्क से बरात के ऐलान से शुरू होती है, ला से शुरू होती है, ला इला, कोई माबूद नहीं है, कोई माबूद नहीं है, वहां से शुरू होती है, वो कैसे चैन से बैठेगा। कलमा पढ़ करके भी, कलमा पढ़ करके भी आदमी अगर शिर्क करता हो तो शिर्क समझाएगा, कैसे समझाएगा शिर्क। मैं तो समझता हूं सबसे अच्छा सबसे बेहतर तरीका है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद की दावत दी और मुशरिकी ने मक्का में आपने काम किया, तो अहले मक्का का शिर्क क्या था, वो अपने बुतों बुजुर्गों के साथ क्या कैसा ताल्लुक रखते थे जिसको अल्लाह ताला ने कुरान में शिर्क डिक्लेयर किया, वही बताओ बताओ। वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा नबी की सुन्नत होते हुए क्या किसी सहाबा के अमल को, किसी सहाबा के कौल को सुन्नत छोड़ करके उन्होंने अख्तियार किया है जानते हुए? वो तो कहते थे कि हमें तो डर लगता है कि आसमान कहीं पत्थर न बरसाए ऐसे लोगों पर जिनके सामने ये कहा जाए कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, और वो सामने से कहें कि अबू बकर ने फरमाया है, उमर ने फरमाया है। इतना भी अगर करते हैं अबू बकर उमर कौन है, इस रूए जमीन पर ईमान वाली उम्मतों में अंबिया के बाद सबसे अफजल लोग हैं, सबसे अफजल सारे अहले सुन्नत का, सारे मुसलमानों का, सारे अहले हदीसों का जो खालिस अहले सुन्नत हैं, इस बात पर इत्तेफाक है, इसमें इख्तिलाफ नहीं है कि अंबिया के बाद सबसे अफजल अबू बकर है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं अगर कोई ये कह दे कि ये नबी की बात के सामने ये अबू बकर की बात है तो ये कहना खतरनाक हो सकता है कि कहीं आसमान पत्थर न बरसा दे। नबी के सामने अबू बकर को पेश कर सकते हो, फिर नबी के सामने किसी भी उम्मती को अबू बकर से बड़ा कौन है? अफजलुल बशर बादल अंबिया, अबू बकर अफजलुल बशर है अंबिया के बाद, उनका नाम नहीं ले सकते सुन्नत के सामने। ऐसा चल रहा है, ऐसी रवायत है, ऐसी हमारी जमात का तरीका है नबी की सुन्नत आने के बाद। लेकिन इसके बाद, इसके बावजूद जिसे सुन्नत का इल्म है, अपने भाई को सुन्नत समझाना है तो उसको ला सकता हूं, उसको लालच होगी, उसको फिक्र होगी। कैसे फिक्र होगी? जैसे वो फिक्र करते थे, जैसे वो फिक्र करते थे ऐसे ही फिक्र करनी पड़ेगी, और फिक्र के साथ काम करना। किसी के खिलाफ मुनाजराबाजी नहीं, किसी के खिलाफ जबान दराजी नहीं कि किसी को काफिर और बिदाती कहने की जबान का इस्तेमाल ये दावती जबान नहीं है, ये फसाद की जबान है, ये फसाद की जबान है। दावत की जबान और दावत का दिल जो होता है, दिमाग जो होता है, वो ये काम करता है कि ये बहका हुआ हमारा भाई, ये बहका हुआ इंसान अपने रब से रिश्ता तोड़ा है, कलमा पढ़ करके अपने नबी से बहुत सारे मसाइल में दूर है, ये कैसे जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा? ये जबान उसकी होती है। आपको मिसाल दिया, बहुत सारी मिसालें हैं, आपको मिसाल दिया कि देखिए हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं नबी का तरीका जो आपने छोड़ा वो बेहतर है, या आप लोगों ने जो शुरू कर दिया नबी के तरीके के खिलाफ ही बेहतर है? बता दो, इतना ही जवाब दे दो। तो ये तरीका मैं अर्ज ये कर रहा था कि कलिमा और दीन और ईमान जो है हमारा, उसका तकाजा है, उसका तकाजा यह है कि उसके तई आदमी फिक्रमंद हो, उसकी कीमत समझे, और यह समझे कि अल्लाह के बंदे जिन्होंने भी अल्लाह के साथ शिर्क किया है, शिर्क में मुब्तला है, उनके साथ हमारा ये ईमान व अकीदे का की दोस्ती नहीं हो सकती।
इसीलिए वो उनके किसी भी शिर्क और बिदात के अमल में करीब भी नहीं जा सकते, करीब भी नहीं जा सकते, क्योंकि जब करीब जाएंगे तो उसके असरात से बच नहीं सकेंगे। इसीलिए मुशाबहत से मना किया, करीब जाने से मना किया, लेकिन बाकी मामलात, अगर बाकी मामलात सोशली और समाजी आप कायम नहीं रखेंगे तो आप बताइए, आप बताइए कैसे। हम मान लीजिए हम अपने इस मुल्क हिंदुस्तान में हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, हम एक अकलियत में हैं, यहां 85% तकरीबन रिकॉर्ड के हिसाब से गैर मुस्लिम है। आप बताइए, हमारी अपनी कोई सियासत भी नहीं हो सकती खालिस, और खालिस मुस्लिम कयादत और सियासत खड़ा करना ये खुदकुशी की राह है। आप बताइए, इतनी बड़ी मजारती के सामने मुसलमानों की कोई सियासत मुस्तकिल हो सकती है? आप पढ़िए, जो लोग मुल्क में मदब्बिर थे सियासत के मैदान में, इस मुल्क की मजारती और अपनी अकलियत माइनॉरिटी के बीच में वो एक गहराई रखते थे, और जिसमें इमामत का दर्जा मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह को था, वो दीन में भी इमाम थे, सियासत में भी इमाम थे। वो कहते थे, यहां हिंदू मुस्लिम इख्तलाफ के साथ और दुश्मनियों के साथ अलग थलग होकर के काम करना ये तबाही की राह है। हमारा काम कैसे होगा? हमारा काम इनके साथ ईमान और अकीदे के फर्क के साथ, दूरी बनाए रखने के साथ, कुफ्र और शिर्क से और उनके शिर्कियात से बहुत सारे मसाइल में सियासी, समाजी, तिजारती और इसी तरह, मतलब बहुत सारी जो चीजें हो सकती हैं, तालीमी और मतलब वेलफेयर और चैरिटी के बहुत सारे काम हो सकते हैं, यानी जो भी हमारे समाजी तकाजे हो सकते हैं, उन सारे तकाजों में तालमेल, एक दूसरे के साथ ताल्लुक रखना, एक दूसरे से ताउन लेना और ताउन देना, ये मना नहीं है, ये मना नहीं है। इसलिए कि आप जिस मुल्क और जिस समाज में हो, इस समाज और मुल्क का तजिया और तरीका बिल्कुल अलग थलग है, लेकिन इसका माना ये नहीं, इसका माना ये नहीं कि शिर्क के किसी कुफ्र के, पहले कुफ्र के मेले में चले जाओ, बिदात की मजलिसों में चले जाओ, बिदातों की ताईद करने लगो सियासी मसलहतों से, शिर्कियात की ताईद करने लगो सियासी मसलहतों से उनके समाजी मसाइल में साथ दो, उनकी मुश्किलात में खड़े रहो, उनकी मदद के लिए खड़े रहो, उनसे मदद लेते रहो, सारा तालमेल सही है, लेकिन अगर तालमेल कहीं शिर्कियात के मसाइल में मिलजुल करके बनाया गया, बिदात की ताईद कर दी गई वोटों की, मतलब दुनियादाराना सियासत के लिए, तो नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि मुश्तबा हो जाएगा हमारे सामने, हमारे बच्चों के, हमारे जनरेशन के सामने इस्लाम, और जो बरात, बेजैयत, बेदारी और गैरत का जो तकाजा है वो खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा, तो असल बाकी नहीं रहेगा। इसलिए इस पहलू को समझना जरूरी है, अगर ये पहलू नहीं समझा गया तो हम कई एतबार से तबाह हो जाएंगे, या तो इस एतबार से तबाह हो जाएंगे कि हम गैरों को दुश्मन समझ लेंगे तो हर मसले में दुश्मनी, अब अगर उनकी कोई चाय है, उनका कोई प्रोडक्ट है तो हमें नहीं लेना है, ये क्या तरीका है? ये जज्बातियत के सवा क्या तरीका है? न इसकी बुनियाद इल्म पर है, न इसकी बुनियाद सही समझ और दीन की सही तालीमात पर है। ऐसा किसने कहा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी दुश्मनियां झेली, आपकी नबूवत के जमाने में यहूद की दुश्मनियां इंतहा पर थी, लेकिन देखिए आपकी वफात हो रही है तो आप कितना सा जो आप कर्ज लिए हैं, खाने पीने की चीज है, जरूरत की चीज है, तो ये सब सूरत हाल समझना जरूरी है। अब दुश्मनी है, इस माने में क्या दुश्मनी है? ये सारी चीजें एक अथॉरिटी तय करती है,
एक अथॉरिटी तय करती है कि हमारे मुल्क में किसी मुल्क के साथ अगर दुश्मनी है तो मुल्क की हुकूमत तय करती है कि किसी मुल्क के साथ हमारा मामला किस नौयत का होना चाहिए। वहां हमें किसी पॉलिसी को और किसी फैसले को फॉलो करना है, लेकिन हम बस ये दुश्मन है, हमारे अकीदे के दुश्मन है, हमारे अकीदे के दुश्मन है, तो उस दुश्मनी के अकीदे और नजरिए की किस तरह दुश्मनी लेकर के हमें चलने का तरीका अपनाना है, ये समझना जरूरी है। और मेरे भाइयों, अगर कुफ्र करने वालों के साथ रोका गया है तो उनसे मोहब्बत, उनसे दोस्ती, उनसे कुर्बत, कुफ्रिया अमल की ताईद, कुफ्रिया अमल में शरीक होना, कुफ्रिया मेले, बिदाती मेलों में शरीक होना, बिदाती अमल में ताईद करना और बिदात के अमल को फरोग देना, ताउन करके शिर्क के अमल को फरोग देना, ये क्या है? ये ईमान के मनाफी है। इससे रोका है, इससे ईमान टूटता है, इससे ईमान खत्म होता है, खतरे में पड़ता है। ईमान खतरे में कैसे पड़ता है आप जानते हैं? ईमान खतरे में कैसे पड़ता है? इस्लाम ईमान ऐसे ही खतरे में पड़ता है जैसे वजू टूट जाए तो पाकी खतरे में पड़ जाती है। वजू टूट जाता है, किससे टूटता है? हदस से। कोई नापाकी का अमल हो जाए, वजू टूट गया। ऐसे ही अकीदा और तौहीद टूट जाती है उस अमल से जो अमल तौहीद को तोड़ने वाला है। आप बताइए, एक आदमी कलमा पढ़ता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, नफा का मालिक वही है, सजदे का मुस्तहिक वही है। अब अगर गैरुल्लाह का भी सजदा करता है तो आप बताइए, जो दावा करता है उस दावे को जिसका तकाजा है कि इबादत सिर्फ अल्लाह की, तो अगर अल्लाह के मखलूक की इबादत करेगा तो उसकी तौहीद टूट जाएगी, उसकी तौहीद टूट जाएगी, उसकी तौहीद खत्म हो जाएगी। ये बात समझने की जरूरत है। और अल्लाह ताला अपने समझदार बंदों को, फिक्रमंद बंदों को महरूम नहीं करता। फिक्र करने की जरूरत है, हमारा कलमा कैसे खतरे में पड़ेगा शिर्क से। अल्लाह की इबादत होते हुए शिर्क किया तो इबादत का एतबार नहीं है। आप सूरह काफिरून पढ़िए, मक्का के लोग, मक्का के मुशरिकीन अल्लाह की इबादत करते थे, अल्लाह की इबादत करते थे। कुलिया युहल काफिरून पढ़िए, पूरी सूरत में अल्लाह ताला कहता है कि तुम अल्लाह की इबादत नहीं करते हो, यानी अल्लाह को अपनी इबादत खालिस मतलूब है। अगर अल्लाह के साथ अल्लाह से भी मांगते हो, गैरुल्लाह से भी मांगते हो, अल्लाह से भी मांगते हो, अल्लाह की मखलूक से भी मांगते हो, जिसके वो मालिक नहीं है, वो अपनी अपनी जगहों पर जहां है मक्खी नहीं उड़ा सकते, उनसे भी मांगते हो, अल्लाह ताला की इबादत करते हो, एतबार नहीं है। मक्का के मुशरिकीन काबा से, हज और तवाब से इतनी मोहब्बत करते थे, उसका तस्करा पढ़िए, लेकिन उसके साथ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के साथ शिर्किया भी लफ्ज दाखिल कर लिया था, शिर्किया, तो उनका लब्बैक भी मोतबर नहीं था। वो अल्लाह के घर का एहतराम इतना करते थे, कहते थे जिन कपड़ों को पहन करके हम गुनाह कर बैठे हैं, इन कपड़ों को पहन करके अल्लाह का घर का तवाफ कैसे कर सकते हैं, अल्लाह का घर है। इतना ताजीम, इतनी ताजीम अल्लाह के घर की। और हालत क्या थी? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हमद व निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, यही तल्बिया कहते थे। आगे कहते थे इल्ला शरीकन हुवा लक तमलिकुहु व मा मलक, कहते थे हाँ अल्लाह, कुछ लोगों को तो तूने शरीक बना लिया है, कुछ लोग तो तेरे साझीदार हैं, हालांकि उनका भी मालिक अल्लाह तू ही है। इतना कहते थे, अल्लाह के नबी ने इसी शिर्किया कलमे को निकाल दिया। ये कहते थे कि कुछ लोग हैं बड़े ऊंचे मकाम वाले जो तेरे साझीदार हैं, उनका कोई एतबार नहीं। ये फर्क अगर नहीं समझ में आया तो कलमा और तौहीद हमारी खालिस नहीं रहेगी,
बहुत लालची और फिक्रमंद होने की जरूरत है कि हमारा कलमा हमारी तौहीद खालिस रहे। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें शिर्क पर बेचैन रखे, बिदातों पर बेचैन रखे, और अहले शिर्क और अहले बिदात को शिर्क और बिदात से निकालने के लिए हर जतन हर बेहतर तदबीर करने की तौफीक दे। रब्बुल आलमीन इस मुल्क के अंदर जो एक बहुत बड़ी मजारती है, एक बहुत बड़ी मजारती है, उनके साथ हमें अपनी जिम्मेदाराना रोल अदा करने की तौफीक दे। रब्बुल आलमीन हमें कहीं भी दीन और ईमान से समझौता करने से तू हमारी हिफाजत फरमा। ईमान पर हम जिंदा रहे अल्लाह, और तौहीद पर ही हम कायम रहे तेरे तकवा के साथ, और तेरे नबी की सुन्नत पर, सुन्नत के मसलक पर हम कायम रहे, और अल्लाह इसी पर हमारी मौत हो। वाखरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।